उस चमकौर की रणभूमि पर चारों ओर अंधेरा छाया। ऐसे समय में निकल पड़ा था गोविंद सिंह गुजरी का जाया। चंद सिंहों को साथ लिए जब दसम पिता मैदान से निकले ऐसे गुरु गोविंद सिंह जैसे तीर कमान से निकले। जाते जाते आसमान में अचानक जो बिजली लहराई, सतगुरु के एक संगी सिख को लाश अजीत की नजर जो आई। कहने लगा, क्या मेरे दाता, देख जे बरखुरदार है तेरा, बिना कफन पे धड़क पड़ा है दाता, राजकुमार है तेरा, ये वो तेरा नूरे नजर है, जो माखन से पाला तूने, ममता की जिसे लोरियां दिया है प्यार निराला तूने, ये वो मर्दे मुजाहिद सूरा जो सवा लाख से एक लड़ा है, मखमली सेज पे सोने वाला आज मी पर सोया पड़ा है। हुक्म करो तो कमर कस्से की डाल दू इस पर जाकर चादरा में, यहाँ से तभी चलूंगा ये मैं अपना फर्ज निभाकर। फिर दया सिंह से बोले सतगुरु। कहने लगे, क्या गुरु सिखा देश धर्म पर, जो मरते हैं कफन नहीं किस्मत में लिखा, पूछ समा के परवानों को, उनको कफन कहाँ भाते हैं, देश धर्म पर जो मरते हैं वो तो बिना कफन जाते हैं, शहीद के मुंह पर कफन का पर्दा, शहादत का दस्तूर नहीं है, मेरा बेटा कफन पे लेटे ये मुझको मंजूर नहीं है। दुनिया कहे कि गोविंद सिंह ने अपने वतन का प्यार भुलाकर वतन से बेटा प्यारा कर लिया, दो गज का ये कपड़ा पाकर।